केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि 3 महीने तक राशन नहीं लिया है गया तो राशन कार्ड रद्द हो सकता है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। सेना के जवानों के लिए लखनऊ में बनेगा हाईटेक आर्मी हॉस्पिटल। इस अस्पताल में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं और हेलीपैड भी होगा। आर्मी हॉस्पिटल का शिलान्यास 22 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह करेंगे। रेलवे प्रशासन ने पुष्पक एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग को देखते हुए 16 दिसंबर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल LTT लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस को फिर से चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS की सुविधा रात 12:30 बजे से 7 दिन 24 घंटे मिल जाएगी, यानी RTGS अब किसी भी समय कराई जा सकेगी। यह सेवा 14 दिसंबर की रात में 12:30 बजे से ग्राहकों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगी। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के समर्थन में हजारों लोगों ने वाशिंगटन में रैलियां निकाली। अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए एक 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस समिति का उद्देश्य विभिन्न भू तकनीकी सुझावों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम गुणवत्ता और दीर्घायु के साथ मंदिर का निर्माण करना है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी UP के दौरे पर हैं। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने किसानों की जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को किसानों के विकास से परेशानी हो रही है और अन्नदाता को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। CM योगी ने कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन के सहारे देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं। लखनऊ शहर के निजी पैथोलॉजी संचालक कोरोना की जांच में मनमानी कर रहे हैं। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए RT-PCR जांच का शुल्क घटाया तो कुछ पैथोलॉजी संचालकों ने यह जांच ही बंद कर ट्रूनेट जांच शुरू कर दी। 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को पड़ेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब तक सूर्य ग्रहण लगेगा भारत में रात हो चुकी होगी। यह सूर्य ग्रहण रात 7:03 से शुरू होगा और रात 12:23 पर समाप्त हो जाएगा। भारत सरकार के सहयोग से 32,000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो रेल का एक नया विकल्प RRTS ट्रेन के माध्यम से पहली बार इतनी लंबी दूरी के रूट के तौर पर मेरठ से दिल्ली को जोड़ने की कार्ययोजना बन रही है। इस ट्रेन को मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर तक चलाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।